हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो गाइस, व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक पोकेमोन के बारे में जिसका नाम है बी शार्प। तो बी शार्प एक ऐसा पोकेमोन है गाइस जो कि स्टील एंड डार्क टाइप पोकेमोन है। सो गाइस, इसमें हम बताएंगे कि कैसे हम इसको पकड़ सकते हैं गाइस, क्या क्या हमें चीज़ें लगेंगी, और इसमें हम बात करेंगे इसके बेस्ट मूव सेट के बारे में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से छोटे से रिक्वेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जो बी शार्प पोकेमोन है, सच बताऊँ तो मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास इसका एक बच्चा है गाइज। तो ये आगे जाके गाइज बी शार्प बन जाता है, जो कि कोई बड़ा काम नहीं है गाइज। सिंपली गाइज आपको लगेंगी 50 गाइज कैंडीज लगेंगी, जो कि आप इजीली इवॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखेंगे मेरे पास 32 कैंडीज है, तो आप ये सोचेंगे मैंने इसको कितनी बार मुझे पकड़ा होगा, कितनी बार मुझे मिला होगा। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग पहली बार इस पोकेमोन को देख रहे हैं पोकेमोन गो में, जो लोग नए ट्रेनर हैं गाइस, उनके दिमाग में सवाल आ रहा होगा ये पोकेमोन पोकेमोन गो में है भी कि नहीं भी है। भाई ये पोकेमोन जो गाइस है, इसका लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है गाइस 12 किलोमीटर अंडों से हैच करना। क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले गाइस अपने बैग में स्पेस बनाना पड़ेगा, एग वाले स्टोरेज में आपको स्पेस बनाना पड़ेगा, और आपको डेली बैटल्स करनी पड़ेंगी लीडर से गाइस। लीडर से आप बैटल करेंगे गाइस, तो वहाँ से आपको मिलेंगे 12 किलोमीटर के एग। उन 12 किलोमीटर के एग को जब हैच करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा पोनी आर्ड। अब गाइस बात यह कि जो पोनी आर्ड है वो काफ़ी रेयर है, वो आपको इजीली नहीं मिलेगा। अगर आप 10-12 अंडे फोड़ते हैं 12 किलोमीटर के, तो अभी चांस नहीं कि पोनी आर्ड आपको मिले। बट इसके अलावा अभी पोकेमोन गो में और कोई रास्ता नहीं है पोनी आर्ड पकड़ने का। अब सेकंड टॉपिक ये है कि गाइस क्या ये यूज़फुल है? तो मेरा इसका एक ही रिप्लाई है गाइस, ये बिल्कुल भी काम का पोकेमोन अभी तो नहीं है गाइस। मास्टर लीग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसको इतना पावर अप कर पाएँ, इतना इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, तो हाँ ये मास्टर लीग में थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। बट डार्क टाइपिंग है और ये स्टील टाइपिंग भी गाइस, तो वहाँ पर आपको ग्राउडन जैसे पोकेमोन मिलेंगे। तो आपको बोल दूँ गाइस, जब आप इसको मैक्स करेंगे, मैक्स सीपी करेंगे, तो ये 3200 का बनेगा गाइस। अगर 100 आईवी का है तो 3215 का ये बन जाएगा। लेवल 50 तक करने पे इसके अटैक्स, डिफेंस, स्टेमिना थोड़ा कम रहेगा, बाकी सब इसका ठीक ठाक है गाइस। बट द मेन थिंग इज़ दैट ये वीक है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है गाइस। फाइटर तो आपको नहीं मिलेंगे मास्टर लीग में इतने, बट फायर एंड ग्राउंड टाइप पोकेमोन्स मिलेंगे, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा। बट जब तक इसका कोई कॉम्पिटिटिव डे नहीं आता है, तब तक ये पोकेमोन इतना काम का नहीं रहेगा। और ये पोकेमोन अभी ढंग से रिलीज़ नहीं हुआ, ये सिर्फ आपको 12 किलोमीटर के एक्स से मिल रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा रेयर पोकेमोन है गाइस। तो ये एक दिक्कत की बात है, इसका शाइनी अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है वैसे। तो अब बात करते हैं गाइस इसके बेस्ट मूव सेट के बारे में। तो गाइस अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं ग्रेट लीग या अल्ट्रा लीग में, आप लोगों ने अगर इसको इवॉल्व कर लिया है, तो इसके गाइस बेस्ट मूव सेट रहेंगे स्नार्ल हो गया, डार्क हो गया, और एक्स सीजर हो गया गाइस। ये जो मूव रहेंगे गाइस, ये इसके सबसे बेहतरीन रहेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो चाहिए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना गाइस। चैनल पर नए हो तो भैया सपोर्ट दिखाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।